हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें मालूम चल गया है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, कि लाइफ साइंस के अंदर जब हम टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं किसके बेनिफिट में, हमारे खुद के बेनिफिट में। और इस चीज में होता क्या है, इसमें कई तरह की डिफरेंट टेक्निक्स यूज आती है, जैसे कि जीन्स जो होते हैं हमारे, डीएनए आरएनए जो है हमारे, न्यूक्लिक एसिड जिनकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे अंदर डेवलप होते हैं, तो उनमें मैनिपुलेशन करके हम डिजायर प्रोडक्ट या फिर डिजायर कैरेक्टर जो है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो यही है मेन मोटो अगर हम देखें बायोटेक का। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आजकल हर फील्ड में यूज आ रही है। अगर आप डेयरी के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी जो प्रोसेस यूज हो रहे हैं दैट इज ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर तो वहां पर भी बायोटेक यूज में आ रही है। अगर हम जाते हैं मोलिकुलर बेसिस पे तो वहां पर भी बायोटेक जो है वो यूज आ रही है। मेडिसिन के अगर हम उस एरिया में देखें तो वहां पर भी बायोटेक यूज आ रही है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसके कई सारे यूजेस हैं। आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको किस तरीके से यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए तो देखिए, मेन मोटो अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी का तो वो क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इस तरह की टेक्निक्स डेवलप करें या फिर हम इस तरह के एंजाइम्स जो है, हम बात करें कैटलिस्ट की, जिनका यूज जो है वो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट के लिए किया जाए। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करना, वो टेक्निक्स हम लोग पढ़ के आए हैं, जैसे इसमें कई तरह के हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जो है वो हमें डीएनए आरएनए के अंदर कट लगाने में हेल्प करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, कुछ एंजाइम लाइगेज जैसे कि वो हम ये बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हम ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा एक थ्रेड जो है रेप्लिकेट करना होता है तो वहां पर हमें नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में हेल्प कर रहा होता है पीसीआर के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। तो हम बोल रहे हैं कि वो ही जो ये एंजाइम्स हैं जो बायोटेक में काम में आते हैं, उन एंजाइम्स को ह्यूमन के लिए या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उनसे उनके ऊपर वर्क करके और ह्यूमन के बेनिफिट के लिए काम करना जो है वो पहला मोटो अगर बायोटेक का रहता है तो वो यही रहता है। ठीक है, तो वही प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और ए प्योर एंजाइम। सेकेंड, हम ये बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम कंडीशंस जो है वो हम जो है वो डेवलप करें। बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन इसलिए क्योंकि देखिए, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करता है किसी भी टेक्निक को, क्योंकि वहां पर जो हमें चाहिए कि एक सिंगल माइक्रोब जो है हम उसका कल्चर करें तो वो सिंगल माइक्रोब का कल्चर नहीं होकर फिर वहां पे कोई और दूसरा माइक्रोब जो है अगर वो भी वहां पे क्या करने लगेगा कि अपनी ग्रोथ इंक्रीज करने लगेगा तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये जितने भी टेक्निक्स होती हैं उनके लिए एक ऑप्टिमम जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाए, तो ये भी एक हम कहते हैं मुद्दा रहता है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि देखिए, जो भी आपने अगर, क्योंकि हम इसका यूज जो है एग्रीकल्चर फील्ड में भी करते हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड में अगर जैसे मान लीजिए यूज कर रहे हैं और हम अगर हम प्लांट के अंदर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए रेसिस्टेंस डेवलप करवा रहे हैं तो वो रेसिस्टेंट जो भी हमारी नई स्पीशीज जो हमने डेवलप की है बायोटेक के थ्रू उसको भी सुटेबल एनवायरनमेंट देना ताकि वो आगे फर्दर ग्रो कर सके, क्योंकि हमें उसको फील्ड में पहुंचाना है। तो इस रेस्पेक्ट में भी अगर हम बात करें तो हम ये बोल रहे हैं कि कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल हमें क्रिएट करनी बहुत जरूरी है बायोटेक प्रोसेस के अंदर। और थर्ड जो है वो आ जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है, जैसे कि बायो रिएक्टर्स के अंदर आपने इंसुलिन डेवलप किया है तो बायो रिएक्टर्स के अंदर जो इंसुलिन बनी है उस इंसुलिन को हम ये बोले फिल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद में उसको प्योरीफाई करना, वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर आता है। तो आप उसको प्योरीफाई करेंगे, मेन जो है दो यही इसमें हम बोलते हैं कि इवेंट्स होते हैं। बट उसके अलावा अगर जैसे कि हमने इंसुलिन जो है वो हमने डेवलप की और इंसुलिन को हमने क्या किया, फिल्टर किया, प्योरीफाई किया, बाद में उसको हम उसकी पैकेजिंग भी करवाएंगे और पैकेजिंग के बाद में हम उसको मार्केट में जो है वो अवेलेबल करवाएंगे, तो वो भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर आता है, क्योंकि हमने जिस भी मुद्दे पर काम किया है, क्योंकि आप जानते हैं बायोटेक का जो रोल है वो हर फील्ड के अंदर है। मेडिसिन के फील्ड में हुआ, इंसुलिन डेवलपमेंट जो करना है वो क्या है, वो मेडिसिन के फील्ड के अंदर हो गया है। अगर हमने कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंसी डेवलप करवा के प्लांट को जो है वो डेवलप कर, प्लांट जो है उसमें मॉडिफिकेशन लेके
आते हैं उनकी जीन्स के अंदर, एंड देन फिर उसकी जो न्यू स्पीशीज या न्यू वेराइटी जो डेवलप होती है उसको फिर हम फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये जब भी हम उसको ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद में फिर हम उसका क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, एंड देन हमें हमारा जो मेन रिजल्ट है वो मिलता है। तो वो फिर क्या आ जाता है, आपके डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर आ जाता है, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि मेन मोटो अगर बायोटेक का रहता है तो वो यही तीन चीजों पर जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है मेनली काम करती है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बायोटेक में, कि बायोटेक्नोलॉजी अगर किस तरीके से एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर यूज में आ सकती है। देखिए प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि देखिए अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में फूड की जो नीड है वो नीड भी बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी लोग हैं उन सबको उनको पर्याप्त मात्रा में फूड मिले, ठीक है। और वो फूड अवेलेबल होने के लिए हम चाहते हैं कि क्रॉप्स जो है वो भी क्या हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेवलप हो, या तो क्या है क्रॉप बहुत क्वांटिटी में हो ताकि हमें यील्ड अच्छा प्राप्त हो। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हमने क्रॉप तो कम लगाई है ना, कंडीशन ये है कि हम कुछ इस तरह की वैरायटीज डेवलप कर लें कि वो क्रॉप्स जो है लिमिटेड एरिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा है जहां पे हमें क्रॉप को डेवलप करना है। तो हम चाहते हैं कि क्रॉप ऐसी डेवलप हो जो कि एक छोटे से एरिया के अंदर जो है हम उसको ग्रो कर सके, लेकिन उससे हमें प्रोडक्शन जो है वो हमें ज्यादा मिले, प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिले। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की जो है हमें क्रॉप्स मिल जाए, या फिर हमारा मोटो ये रहता है कि हमें क्रॉप कुछ ऐसी हो, क्योंकि मेनली जो प्लांट जो हमारी क्रॉप होती है उसके ऊपर एबायोटिक फैक्टर्स का बहुत इफेक्ट होता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है या फिर हाई टेम्परेचर है या वाटर की कमी है, ये सब चीजों की वजह से हमारी पूरी की पूरी फसलें जो होती है वो खराब हो जाती है। तो हम चाहते हैं क्या है कि रेसिस्टेंट हमारे पास में कुछ ऐसी क्रॉप्स हो जो इन सब चीजों का इफेक्ट जो इनके ऊपर ना पड़े कुछ, या फिर हमें इस तरह की क्रॉप चाहिए, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि क्रॉप कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिनके ऊपर इंसेक्ट्स का इफेक्ट जो है, वीड्स का इफेक्ट जो है वो ना हो, क्योंकि वीड्स एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं, तो भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। चूंकि हमारा मेन मोटो क्या है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको पर्याप्त मात्रा में फूड मिले। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे जो प्रोडक्ट्स जो है उनको इंक्रीज किया, क्रॉप जो है क्रॉप से हमें जो यील्ड मिल रहा था उसको हम बोले उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई थी ग्रीन रेगुलेशन की वजह से। बट वो क्यों हो पाया था, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल कंपाउंड जो हम बोलते हैं ना केमिकल कंपाउंड्स जो है उनका यूज किया गया था, इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड्स जो है इन सबका जो है वो यूज, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया था। इसकी वजह से बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि वो उनके ऊपर इंसेक्ट का इफेक्ट नहीं हुआ, वीड्स का इफेक्ट नहीं हुआ, राइट, उनके ऊपर हम बोले पेस्ट का इफेक्ट नहीं हुआ, क्रॉप जो है वो डेवलप भी हुई एंड देन उसका हमें यील्ड भी मिला, लेकिन जो हमने पेस्टिसाइड्स यूज किए हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स यूज किए हैं उसकी वजह से पोल्यूशन जो फैला है, वो पोल्यूशन हमें क्या करता है, वो हमारी नेक्स्ट क्रॉप को फिर वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि वही, क्योंकि मेन सॉइल जो है उसी से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और वो प्लांट के अंदर हर पार्ट में जाता है, एंड देन अगर हमें उससे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है कि उसका इफेक्ट उनमें भी जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं इसका इफेक्ट पोल्यूशन पे पड़ा और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कंडीशंस भी हो, ठीक है। तो ये जो है वो मेन मोटो है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके अंदर मेन रोल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा वो किसका होगा, बायोटेक का होगा। चलिए पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए एग्रीकल्चर क्या क्या किस किस बेस्ड पे हो सकता है, पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर अगर हम लोग करते हैं तो उसका देखो क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि हम इस पे केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज होगा, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे हुआ, तो ये हमारे लिए अच्छा एक हम बोलते हैं स्कोप नहीं है, ठीक है। सेकंड आ गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि हमने जो क्रॉप डेवलप की है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स जो डेवलप की है उनमें हमने जो खाद यूज की है तो वो भी क्या है ऑर्गेनिक है। तो एक तो क्या बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि हम अगर इकोनॉमिक वे में जाए तो हर जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सबकी सिमिलर नहीं होती है, कुछ जो है वो उसको खरीद सकते हैं तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इफेक्ट सीधा इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी महंगी पड़ती है और इसका ये जरूर है कि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बेस्ट होगा, बट क्योंकि हमें जो यील्ड मिल रहा है आफ्टर हम बोलते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वांटिटी जो हमें मिल रही है प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी हमें कम मिलती है, तो इस वजह से भी उसकी कॉस्टिंग जो आती है वो ज़्यादा आती है। तो ये जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं है एग्रीकल्चर का हमारे लिए। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारी उसका भी ध्यान रखा जाए, हमारी जेब जो है उसका भी ख्याल रखा जाए, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये एक बहुत ही अच्छा हमारे पास में अब क्या आ गया, एक तरीका आ गया है
जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम क्या कैसे यूज करें, हम जीएमओज डेवलप करें। जीएमओज क्या होता है? जीएमओज का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट भी हो सकते हैं और वो एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की हम ये बोले कि उनके डीएनए के अंदर है ना, प्लांट के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके डीएनए में कुछ चेंज लेके आना, किसके थ्रू लेके आना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्योंकि देखिए हमारे पास में कई तरह की प्लांट स्पीशीज है, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है। जैसे मान लिया कि एक प्लांट स्पीशीज है जिसके अंदर तो क्वालिटी ये है कि उसका यील्ड बहुत अच्छा मिलता है, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बट उसमें रेसिस्टेंसी नहीं है। जबकि कोई दूसरी स्पीशीज हमारे पास में ऐसी भी अवेलेबल है जिसके पास में रेसिस्टेंसी तो है बट उसके पास में क्या नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देता। तो हम चाहते क्या है, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट ज्यादा मिले। तो जो हमारी क्रॉप में रेसिस्टेंसी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें रेसिस्टेंसी डेवलप करने वाले जीन को ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा जिसकी वजह से अब प्लांट के अंदर रेसिस्टेंसी भी डेवलप हो जाएगी। जब उसमें रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी किसी भी इंसेक्ट के लिए या पेस्ट के लिए तो वो सर्वाइव कर पाएगा, और वो सर्वाइव करेगा तो प्रोडक्ट हमें ऑटोमेटिकली, जो कि उसका मेन करेक्टर है कि वो प्रोडक्ट हमें अच्छा देता है, तो वो प्लांट हमें प्रोडक्ट अच्छा देगा ही देगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आसान शब्दों में अगर हम समझें तो वो यही है कि हम उसके डीएनए और हम जो हम उसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से बेटर वैरायटी जो है वो हमें मिलती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो जिसमें भी हम चेंज लेके आए हैं। तो हम जीएमओस डेवलप करवा सकते हैं। तो जीएमओस डेवलप करवाना किसके अंदर आता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर वही कि ये इसने फूड जो है वो 3 गुना तो उसको बिल्कुल सप्लाई उसकी इंक्रीज की थी, लेकिन चूंकि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा था जो एक पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से दिस इज नॉट ए बेस्ट ऑप्शन, ये एग्रीकल्चर का अच्छा मुद्दा नहीं, एग्रीकल्चर का अच्छा रास्ता नहीं है। इस वजह से अब हम जो क्रॉप डेवलप करना चाह रहे हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं, वो हम जेनेटिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जीएमओस डेवलप करेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि जीएमओस क्या है, सिंपल शब्दों में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। वो चेंज कैसे आ रहा है, आप जानते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो होस्ट का डीएनए होता है उसमें एक फॉरेन जीन जो है वो ऐड कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करता है तो जो वो फॉरेन जीन है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। जैसे जैसे होस्ट का डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उसके साथ में वो जो फॉरेन जीन हमने उसमें इंसर्ट किया है जिसकी वजह से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप हुआ है वो भी एक्सप्रेस होगा, तो उसके कैरेक्टर भी डेवलप होंगे होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो यही मेन चीज हमने यूज की है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर भी। अभी हमने जीएमओस डेवलप किए हैं प्लांट्स के अंदर, क्या सबसे पहली चीज आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पर, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, बीटी टमेटो, बीटी पोटेटोस, बीटी सोयाबीन, ये जो है ना हमने यूज किया है। अभी देखिए शब्द आ जाता है बीटी क्या है, तो बीटी एक्चुअल में एक बैक्टीरिया बैसिलस थ्रेंजिनेसिस, उसी को शॉर्ट में करके लिखा गया है। बैसिलस थ्रेंजिनेसिस के बारे में आगे हम वापस से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो वही डेफिनेशन जो है वही दोबारा से लिखी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बोला गया है दैट हैव वन और मोर यूजफुल फॉरेन जीन्स, ट्रांसजीन्स विच आर इंसर्टेड टू चेंज द जीनोटाइप ऑफ द क्रॉप, जीनोटाइप एंड ऑल्सो फिनोटाइप, है ना, उनके कुछ ना कुछ उसके हम बोल रहे हैं कि उसमें भी करेक्टर में भी चेंजेस लेके आ सकता है, तो उसके जीनोटाइप को चेंज किया जाता है क्रॉप के। आसान सिंपल शब्दों में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही आपके पास में बोर्ड पे भी है, तो आप लोग यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब इनके थ्रू जीएमओस के थ्रू, अभी बीटी कॉटन जो है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बीटी कॉटन जो है वो डेवलप की गई है, उनमें फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट किया गया है, किससे, बैसिलस थ्रेंजिनेसिस से, इतना आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद में पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीएमओस के क्या मेन बेनिफिट क्या है, हम क्यों जीएमओ प्लांट्स जो है ना हम क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं, बिकॉज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जो मैंने आपको बोला एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है उसको टॉलरेट कर सके, रिड्यूस रिलायंसेस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, वही पेस्टिसाइड्स और जो भी आपके इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उसका यूज जो है वो थोड़ा कम हो जाए, हमें हम बोल रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट जो हमें लॉस हो रहा है वो जो है वो भी उसमें भी रिडक्शन हो, वो भी कम हो, और हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, जो
मिनरल यूज कर रहा है प्लांट्स, उसकी भी जो है हम ये बोल रहे हैं कि ज्यादा एफिशिएंटली वो ज्यादा यूज में आए. दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि जो मिनरल उसने ऑब्जॉर्व किए होंगे अगर वो ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में यूज में आ जाएंगे तो सॉइल से और ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा उसका, हम बोलते हैं परसेंटेज, जिसकी वजह से सॉइल की जो खुद की क्वालिटी है वो भी डिक्रीज नहीं होगी. ठीक है, इसी के साथ में एनहेंस करना न्यूट्रिशन वैल्यू. न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि कुछ उसमें इस तरह का जीन जो है इंसर्ट किया जाए जो कि किसी पर्टिकुलर, हम ये बोलते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करे. जैसे फॉर द एग्जांपल कि हमने गोल्डन राइस जो डेवलप की है उसके अंदर, गोल्डन राइस क्या है, राइस की वो वैरायटी है जिसके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी जो है वो बड़ी होती है. ठीक है, वो बढ़ाई कैसे गई है, वो बढ़ाई गई है क्योंकि ये एक्चुअल में जो गोल्डन राइस है ये है क्या, ये जीएमओ ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ही है. ठीक है, तो ये गोल्डन राइस जो वैरायटी होती है उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है. और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज मार्क इट. ठीक है, आप इसको मार्क करेंगे. आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए बीटी कॉटन पे आ जाते हैं. बीटी कॉटन क्या है कि जो बैसिलस थ्रेंजिनेसिस जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन जो है वो रिलीज होता है. ये टॉक्सिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होता है बैक्टीरिया के अंदर, इस वजह से वहां पे तो वो कोई रोल प्ले नहीं करता. लेकिन अगर वही कोई भी, हम ये बात करें कीट जो है, अगर इंसेक्ट के बारे में बात करें, अगर इंसेक्ट उस बीटी टॉक्सिन को अगर वो अगर अपने फूड के साथ में अगर उसको क्या करता है, उसका इंजेशन करता है, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि उसके मिडगट के अंदर जब उसको एल्केलाइन मीडियम मिलेगा तो वो जो बीटी टॉक्सिन है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वहां की जो एपिथेलियल सेल्स होती है उन सेल्स में स्वेलिंग डेवलप कर देता है. और स्वेलिंग करने की वजह से वहां की सेल्स क्या हो जाती है, फूल के फट जाती है. फूल के फट जाने की वजह से जो पर्टिकुलर कीट है, इंसेक्ट है जिसने उसको खाया है, मतलब जो फूड लिया और उस फूड के साथ में उस बीटी टॉक्सिन को भी लिया है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो बीटी टॉक्सिन है जो कि बैसिलस थ्रेंजिनेसिस के अंदर नेचुरली नेचुरल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स के अंदर भी डेवलप हो. क्योंकि जैसे कि कॉटन वगैरह है इन सब के अंदर क्या होते हैं, इन सबको इंसेक्ट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, इनकी इसकी वजह से पूरी की पूरी हमारी क्रॉप जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है. तो वो क्रॉप जो है वो हमारी डेवलप करे, तो हम उसको रेसिस्टेंसी जो है वो हम उस पर डेवलप करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन जो है वो किस किस को मारता है, ये क्वेश्चन आता है. लेपिडोप्टेरन्स कौन कौन से है ना, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, ये जो तीन है, तीनों क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब को किल करने का काम करता है बीटी टॉक्सिन. ठीक है, बस ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको बता ही दिया कि अल्केलाइन पीएच के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो बीटी कॉटन हमने बनाया, वो बीटी कॉटन कैसे बनाया, हमने बैसिलस थ्रेंजिनेसिस के अंदर जो जीन प्रेजेंट थे जिसकी वजह से बीटी टॉक्सिन बनता था. अभी क्वेश्चन वो कौन से जीन है, तो वो जीन होते हैं क्रायजीन. ठीक है, CRY, तो क्रायजीन जो होते हैं उसकी वजह से बीटी टॉक्सिन जो होता है वो क्या होता है, बनता है. ठीक है, तो हम चाह रहे क्या, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगाई बैसिलस थ्रेंजिनेसिस से, उस क्रायजीन को सेपरेट किया एंड देन उसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, वेक्टर के थ्रू हमारा जो प्लांट है. वो वेक्टर कौन सा होगा आप जानते हैं, एग्रोबैक्टीरियम है ना, याद आ रहा होगा टीआई प्लाज्मिड. तो वो जो टीआई प्लाज्मिड जो होता है जिसको हम प्लांट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए हम उसको एज ए वेक्टर यूज में लेके आते हैं. तो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस क्रायजीन को इंसर्ट कर देते हैं होस्ट प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के अंदर. अब जैसे ही ये फॉरेन जीन उसके अंदर, यानी जो क्रायजीन उसमें इंसर्ट हो जाएगा, तो वो अपने करेक्टर डेवलप करेगा, यानी कि वो बीटी टॉक्सिन को बनाएगा. अब प्लांट को जब कोई भी इंसेक्ट खाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर बीटी टॉक्सिन जो है वो जाएगा, एल्केलाइन पीएच जब उसको मिडगट के अंदर मिलेगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके एपिथेलियल सेल्स क्यों क्या कर देगा, उसमें छेद कर देगा, पोर कर देगा, स्वेलिंग डेवलप करेगा, जिसकी वजह से सेल्स फूल के फट जाएगी और कीटों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. राइट, तो ये कंडीशन डेवलप होगी और ऐसे बनाया गया है क्या, बीटी कॉटन. क्वेश्चन जो आते हैं क्रायजीन के बारे में आते हैं, कौन कौन से हैं, देखिए कोड करते हैं कौन कौन से. एक तो है आपका Cry1AC, ये देखिए Cry1AC है, याद रखिए. उसके अलावा है Cry1AB और Cry2AB. ठीक है, ये तीन आपको जीन जो है इनके बारे में याद रखना है. अब ये जो तीनों ही जीन जो है ये कौन कौन से किसको जो है किसके लिए एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसके लिए टॉक्सिन है वो आपको ध्यान रखना है. जैसे कि फॉर द एग्जांपल Cry1AC और Cry2AB, ये दोनों के दोनों जो है ये कॉटन बोलवॉर्म, ये इसके लिए क्या है, एंडोटॉक्सिन जो है वो डेवलप करते हैं. तो कॉटन बोलवॉर्म्स के लिए Cry1AC एंड Cry2AB ये जीन जो है एंडोटॉक्सिन डेवलप कर रहे हैं.
जबकि क्राई वन ए बी है, ये क्राई वन है, यहाँ पे ऊपर क्राई सेकंड था, तो ये क्राई वन ए बी जो है ये कॉर्न बोरर जो है इसके लिए क्या है, ये इसको कंट्रोल करता है, इसको क्या करता है, किल करता है, इससे डेवलप होने वाला जो आपका बीटी टॉक्सिन है वो कॉर्न बोरर जो है इसकी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो किसको कंट्रोल कर रहे हैं वो याद रखिए, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी, ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कॉटन बॉलवर्म को, जबकि क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चा, इसलिए प्लीज आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अभी देखिए इसी के साथ में आ जाता है निमेटोड रेसिस्टेंस इन टोबेको प्लांट। टोबेको प्लांट के अंदर क्या होता है कि कुछ निमेटोड्स, कौन से निमेटोड, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, ये जो है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया क्या करता है, ये टोबेको प्लांट या राइस प्लांट के अंदर रूट्स को इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, रूट्स के अंदर जाके अपने वही अपना आरएनए जो मॉलिक्यूल है वो बनाएगा, और आप जानते हैं कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो वो प्रोटीन जो है वो क्या करता है, वो प्रोटीन यहाँ पर जो इनकी जितनी भी हम बोल रहे हैं कि जो तंबाकू का प्लांट है या फिर हमारा जो राइस प्लांट है उसका जो उसकी ग्रोथ जो होती है ना उसको इफेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट जो है वो नहीं होने देता है। रूट जो है मेन रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसको मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया जो है इसके इस निमेटोड को किस तरीके से जो है वो रोका जाए, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, देखिए आरएनए इंटरफेरेंस जो है इंटरफेरेंस ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी क्या होती है कि इसके अंदर हम कोई ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल प्लांट के अंदर ही डेवलप करें कि जब आपका ये मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया क्या करेगा, अपना एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, तो उस एमआरएनए के साथ में हमारी जो प्लांट की सेल्स के अंदर जो बना हुआ एमआरएनए वो क्या कर ले, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका जस्ट, तो वो उसके साथ में क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बना देगा। तो जब वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा तो वो प्रोटीन जो कि जो उसको इन्फेक्शन जो उसको इफेक्ट करी थी, सॉरी रूट को इफेक्ट करी थी, वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा अगर सिंगल स्टैंडर्ड रूप में रहता है, पर अगर वो डबल स्टैंडर्ड हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यही है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या किया जाता है, एमआरएनए की साइलेंसिंग की जाती है। देखिए ये वो शब्द है जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज में आते हैं, और हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ते नहीं है तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, जो एमआरएनए बनाया जा रहा है किसके थ्रू, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया के थ्रू, उसको हमने साइलेंट कर दिया डबल स्टैंडर्ड बनाकर, ताकि वो अपना जो है वो प्रोटीन डेवलप ना कर सके, ठीक है। तो ये चीज जो है वो की जाती है। अब देखिए इसके लिए हमको बोल रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि उसके साथ में क्या बनाएगा, डबल स्टैंडर्ड जो रोल प्ले करेगा, तो वो कहां से आता है, वो आता है आरएनए वायरसेस से, ठीक है ना। तो आरएनए वायरसेस से जो जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बनाता है ना, सेंस और नॉन सेंस दोनों तरह के जो है आरएनए बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि इस निमेटोड के आरएनए के साथ में डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और उसको साइलेंट कर देता है। इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, आरएनए आई शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए तो देखिए मोड ऑफ एक्शन, वही निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट बाय द यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। आप जानते हैं प्लांट के अंदर यही वेक्टर जो है वो यूज आता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर फॉर्म डे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। दिस रिजल्ट इन द इनिशिएशन ऑफ आरएनए आई एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, जो मैंने आसान शब्दों में आपको बातें बोली है यही पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है। यानी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि हमने क्या बनाया है, एक सेंस और एक एंटी सेंस आरएनए जो है वो मॉलिक्यूल बना दिया है प्लांट के अंदर ही, ताकि जैसे ही निमेटोड का एमआरएनए आए तो उसके साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के उसको साइलेंट कर दे। इतना याद रख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही कर देंगे आप लोग। चलिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन के अंदर क्या क्या इसके रोल जो रहते हैं, तो सबसे पहला तो आ जाता है वही जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन मेन है क्योंकि इंसुलिन डायबिटीज, आजकल केवल मीठा खाने से हम जो है वो डायबिटीज नहीं हो रही, डायबिटीज के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन जो है वो अगर बनना जो है वो रुक गया है तो उनको बाहर से भी इंसुलिन देनी पड़ती है। बट हम वो इंसुलिन कब देंगे, जब वो मार्केट में अवेलेबल होगी। तो उसको बनाना किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू।
जीन थेरेपी, अगर कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर है जो किसी भी हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी बच्चे में डेवलप हो रहा है या फिर भी किसी भी मेल एंड फीमेल में डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कुछ जीन थेरेपी दिए, यानी वो जो जीन, जो डिफेक्टिव जीन है जिसकी वजह से वो डिजीज डेवलप हो रही है, उसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें जीन थेरेपी के थ्रू। तो वही जीन थेरेपी जो है वो भी एक इसका हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन है। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्योंकि डिजीजेस जो होती हैं हमेशा अपने आप को, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली वे में, अपने आप को जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, और जब ये हमें सिम्टम्स नजर आने लगते हैं कि हमें बुखार रहना, फीवर रहना, तो ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल जो उनके इफेक्ट्स होते हैं किसी भी डिजीज के, वो हमें बहुत देर बाद हमें पता चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अगर अगर हमारे जेनेटिकली किसी डिफेक्ट की वजह से अगर वो चीज़ डेवलप हुई है, तो वो हमें मॉलिक्यूलर बेसिस पे ही पता पहले नहीं चलती है, वो कई स्टेजेस जब पार कर जाती है, उसके बाद में जब हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखने लगते हैं तब हमें वो पता चलती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम उसको स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज के अंदर ही हम उसको पहचान लें, और पहचान कर हम उसका वहीं पे ही कुछ सॉल्यूशन कर दें जिससे वो डिजीज आगे हो ही ना। क्योंकि अगर वो 2-3 स्टेज अगर अपनी ले लेगी तो उसके बाद में हो सकता है मे बी उसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल ना हो सके। तो इस तरीके से 3 मेन चीजें हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर्मेशन, जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन तीनों के बारे में ही हम आगे अब डिस्कस करेंगे। तो ये मेडिसिन में रोल है। सबसे पहले अगर इंसुलिन में देखें तो आप जानते हो कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन के अंदर एक तो दो चेन होती है, एक ए जो आपकी पेप्टाइड चेन है और दूसरी बी पेप्टाइड चेन होती है। वैसे बनती तो एक सी एक और है, लेकिन जब मैच्योर आपका जब इंसुलिन बनता है तो जो वो सी पेप्टाइड चेन होती है वो उससे सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से बनता क्या है, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली आपके सेल्स के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर इसी तरीके से हॉर्मोन जो है इंसुलिन, उसका फॉर्मेशन होता है। अगर इनएक्टिव फॉर्म में देखें, प्रो इंसुलिन जो होता है उसके अंदर हमारे पास में सी पेप्टाइड चेन जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट जो हमारा नॉर्मल इंसुलिन है उसमें केवल ए एंड बी ही होती है, सी उसके अंदर नहीं होती। तो अब हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ ए एंड बी जो चेन है उसको बनाना है और उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू उन दोनों पेप्टाइड चेन को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो बन जाएगा इंसुलिन। तो हमें अगर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर इंसुलिन बनाना है तो हमें दो तरह की प्रोटीन बनानी होगी, एक तो ए प्रोटीन, वो जो ए पेप्टाइड चेन है इनकी, और दूसरी बी जो आपकी पेप्टाइड चेन है उसको बनाना होगा। अब बनाएंगे कैसे इंसुलिन को, आप जानते हैं कि इन दोनों शॉर्ट चेन जो है ए चेन और बी चेन, इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड की तरफ जोड़ते ही इंसुलिन बनेगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाया जाता है वही आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ के आए हैं पिछले हमारे चैप्टर के अंदर, वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन जो है उसको फॉर्म किया जाता है। वैसे आप जानते हैं कि इंसुलिन को पहले जब दिया जाता था तो पिग से उसको लिया जाता था और उस इंसुलिन को ह्यूमन के अंदर दिया जाता था, बट उसके खुद पिग से जब हम उसको देते हैं, क्योंकि नेचुरली ये पिग के अंदर बनता है, तो अब उसको इंसुलिन को अगर आप देते हो तो कई एलर्जिक जो है वो हम बोल रहे हैं कि रिएक्शंस जो होती है वो डेवलप हो जाती है। तो हमने करना क्या है, हमने नॉर्मली जो भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन है जिसके अंदर इंसुलिन बन रहा है, हमें चाहिए उसके जीन, ताकि हम उस जीन को एक्सप्रेस करवा दें किसी माइक्रोब के अंदर, और माइक्रोब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, माइक्रोब के साथ साथ में वो इंसुलिन वाले जीन जो है वो भी मल्टीप्लाई करेंगे और वो इंसुलिन को फॉर्म करेंगे। तो बायो रिएक्टर के अंदर फिर क्या होगा, माइक्रोब्स का कल्चर होगा, तो उसके साथ साथ में इंसुलिन भी बनेगा, और वो इंसुलिन जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू उसका प्योरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन होगा। उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस होने की वजह से हमारी मैच्योर जो हमारा इंसुलिन है उसका फॉर्मेशन होगा, और उस इंसुलिन को हम फिर पैकेज करके कमर्शियली हम मेडिकल शॉप्स जो है उसमें अवेलेबल करवा सकते हैं, और उसके बाद में फिर उसकी सप्लाई हमें सबको मिल जाती है, जो भी जिसके अंदर भी ये डायबिटिक जो भी पेशेंट्स हैं उन सबको ईजी वे में वो अवेलेबल हो सकता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन के दौरान की जाती है। तो ये कब इंसुलिन जो है सबसे पहले कब बनाई गई, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है बहुत बार, तो इसलिए याद रखना है। एली लिली जो है इसने सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंजीनियरिंग के थ्रू जो है अमेरिकन कंपनी है जिसने इंसुलिन को फॉर्म किया था, कौन से ईयर में किया था वो आपको याद रखना जरूरी है, 1983। हर बार हर जगह जो है आपको ईयर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सब जगह ये इंपॉर्टेंस ही नहीं होती कि क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ से कई बार पूछा गया इसलिए हम लोग ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस ए एंड बी चेन के लिए ह्यूमन इंसुलिन से लिया है और उसको ई कोलाई के अंदर क्या किया है, प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया।
जैसे उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो हुआ क्या, इकोलाई जो है वो अपनी ग्रोथ शो करेगी, और जब वो अपनी ग्रोथ करेगी तो इंसुलिन बनेगा, और इंसुलिन बनेगा तो उसको सेपरेट और एक्सट्रैक्ट करके हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बना उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा के और उस इंसुलिन को मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। बस इतना ही तो है आपको इंसुलिन के अंदर जो पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है जीन थेरेपी। अभी देखिए जीन थेरेपी जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुई, जीन थेरेपी जो है वो एक केस आया जिसके बाद में जीन थेरेपी जो है वो उसके बारे में हम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो इसका सबसे पहला जो हम बोलते हैं ना क्लिनिकल जो जो फर्स्ट केस आया था वो कब आया था, 1990 के अंदर आया था। एक 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि एडिनोसिन डीएमिनेज जो है वो उसकी डेफिशिएंसी थी, एडीए की डेफिशिएंसी थी। इस डेफिशिएंसी की वजह से इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो गया, कम हो जाता है किसके अंदर, आपके जो बच्ची है जिसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अब उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए क्या किया गया, उसके अंदर प्रॉपर मैनेज करने के लिए उसकी जो लिम्फोसाइट सेल्स थी उस लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर ये जो एडी है इसकी इसको जो है इसके लिए इसको इंजेक्ट किया गया। तो एडीए जो है उसको इंजेक्ट करने से उसका प्रॉपर हम ये बोलते हैं कि ये जो जीन थेरेपी दी यानी उसकी जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर चेंजेस लेके आए, लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर ही चेंजेस लेके आए जिससे उन्होंने नेचुरली एडीए को फॉर्म किया। लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं चलता क्योंकि एडल्ट के अंदर एडल्ट स्टेज के अंदर जब ये जीन थेरेपी दी गई तो उसका इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए रहा। तो बेटर क्या रहता है, बेटर ये रहता है कि अगर हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं अर्ली एम्ब्रियो स्टेज के अंदर तो हम उसको एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही जब उसको जीन थेरेपी देते हैं, जीन थेरेपी का मतलब ये होता है कि एक एडीए फॉर्म करने वाला नेचुरल जीन जो एडीए को नेचुरली बनाता हो उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो जिसमें भी डिफेक्ट है जीन जो है वो एडीए फॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके अंदर एडीए फॉर्म करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस कर दे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वो जीन थेरेपी तो हो गई क्योंकि हमने जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नॉर्मल जीन जो उसमें अवेलेबल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, नेचुरली नॉर्मली क्या करेगा, एडीए को फॉर्म करेगा, तो इम्यून सिस्टम जो है उस पे इफेक्ट जो है वो शो हो जाएगा। नहीं तो अगर एडीए की डेफिशिएंसी रही तो इम्यून सिस्टम जो है वो जो है उनका कमजोर रहेगा। तो ये हम चाहते हैं कि जीन थेरेपी जो है कब दी जाए, अर्ली अगर एम्ब्रियो स्टेज में दी जाए तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, बेटर रहती है बजाय उसको एडल्ट स्टेज के अंदर आफ्टर बर्थ अगर हम उसको जीन थेरेपी देते हैं तो उसके, ठीक है। तो यही है बस जीन थेरेपी के अंदर। फिर उसके बाद में वही लिम्फोसाइट सेल्स कैसे कैसे दिया गया, तो वही लिम्फोसाइट सेल्स जो है उनके अंदर ही जो है ये एडीए के लिए जो एडीए जो है उसके लिए जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट ये जब उसके अंदर दिया गया तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, इसीलिए एम्ब्रियो स्टेज के अंदर हम चाहते हैं कि उसको दे। चलिए मोलिक्यूलर डायग्नोसिस, मोलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर और हमारा एलिसा जो टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, इनके थ्रू जानना डायग्नोस करना किसी भी डिजीज को। अब जैसे कि फॉर द एग्जांपल एड्स है, एड्स जो है वो एचआईवी वायरस की वजह से होती है बट अर्ली स्टेज पे उसका हमें पता नहीं चलता, काफी टाइम बाद में हमें उसका पता चलता है कि यस, क्योंकि उसके जब इफेक्ट्स शो होने लगते हैं तब पता चलता है कि यस ये एड्स हो गया है, ठीक है। तो चूंकि अगर काफी लंबे टाइम तक पता नहीं चलता है कि उसको एचआईवी है, एचआईवी वायरस जो है उसका इन्फेक्शन है या फिर उसको एड्स है, तो और भी बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो जो एचआईवी वायरस जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, हो सकता है मे बी वो एड्स और ज्यादा फैल जाए। तो हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना इस कोई भी डिजीज जो कि अपने 2-3-4 स्टेज पूरा पार कर लेने के बाद हमें पता चलता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल कैंसर, कैंसर का भी सेम रोल है कि कैंसर जो होता है वो हमें फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चलता है, 2-3 स्टेज बाद में जब हमें उसके इफेक्ट्स होने लगते हैं कि चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, तब हमें पता चलता है कि बुखार रहने लग जाता है, तब हमें समझ में आता है कि यस कुछ है, और जब हमें वो गांठे उभर के नजर आने लगती है तो हमें लगता है कि यस कैंसर है, अगर वो कुछ विजिबल अगर उसकी हम बोलते हैं ट्यूमर अगर हमें नजर आने लगे तो हमें पता चलता है यस की कैंसर है। तो हम चाहते हैं क्या कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि कैंसर है कि नहीं है, तो उसके लिए जो ट्यूमर होता है कई बार ट्यूमर को क्या किया जाता है, जब किसी एक सिंगल ही ऑर्गन में या किसी पार्ट के अंदर ट्यूमर डेवलप होता है तो हम उस ट्यूमर को क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं एंड देन उस ट्यूमर का जो है टेस्ट करवाते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सी सेल है, क्या इसके अंदर वो सेल है जो कि डिजीज कॉज कर रही है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, क्या इसमें वो सेल है या फिर नॉर्मली ही सेल के जो ट्यूमर जो होता है कई बार नॉर्मली भी नेचुरली भी ऐसे ही भी डेवलप हो जाता है जो कैंसर जो है ना उसको डेवलप नहीं करता, ठीक है ना।
तो हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो कैंसर डेवलप करने वाला ट्यूमर जो होता है उसका कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम पीसीआर, एलिसा टेस्ट और हम ये बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इनको यूज करके हम इस तरह की कैंसर, एड्स जैसी जो डिजीज है उनकी अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटो रहता है। ठीक है, अब देखिए पीसीआर के थ्रू आप कैसे करते हो। पीसीआर के थ्रू तो वही है आपका, जो अगर कोई भी एचआईवी वायरस है उसने क्या किया है कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया है अगर ह्यूमन के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर जो उसकी सेल्स होती हैं, जो भी हमने उसका सैंपल लिया है चेक करने के लिए, तो जो भी जिसके अंदर भी जिस भी पर्सन का हमने सैंपल लिया है कि हमने उसका ब्लड सैंपल लिया और उसके अंदर हमें चेक करना है कि उसको एचआईवी का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसका पीसीआर रन करवाते हैं। और पीसीआर रन करवा के फिर हम क्या करते हैं उसके एचआईवी वायरस के साथ में हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यस इसके अंदर एचआईवी का जो है जेनेटिक मटीरियल भी है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन तभी हो पाएगा कि जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर जीन सिक्वेंसिंग हमें कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस की सिक्वेंसिंग मिलेगी। तो हमने पीसीआर रन करवा के तो पहले तो क्या कर देते हैं पीसीआर रन करवा के हम जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका एम्पलीफाई कर देते हैं एंड देन उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा के चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर एचआईवी है। तो पीसीआर का जो है वो यूज किया जा सकता है, सेम ये कैंसर पेशेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है। ऑटो रेडियोग्राफी का कैसे यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो भी जैसे कि मान लीजिए कि एचआईवी वायरस है तो उसका जो भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक प्रोब तैयार कर लेते हैं, उसको रेडियो एक्टिव से हम उसको क्या कर लेते हैं लेबल कर लेते हैं एंड देन जो भी पेशेंट है उसके सैंपल में जो हमें मिला है जो सैंपल में उसका जो जेनेटिक मटीरियल हमने सेपरेट किया है उसका पीसीआर रन करवा के उसके पहले तो क्वांटिटी इंक्रीज कर लेंगे एंड देन उसके बीच में हमने क्या करवाया हाइब्रिडाइजेशन करवाया। अब क्या होता है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रहता है, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर सैंपल में इन्फेक्शन था, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो वो हम बोल देते हैं कि इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता है इन मेथड के थ्रू, और एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाला अगर एंटीजन आ रहा है, कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सैंपल में अंदर वही एंटीजन जो है उसको एंटीबॉडी के साथ में रिएक्शन करवाना है। अगर एंटीबॉडी बनी होगी तो इट मीन्स उसको उस सेल को एंटीजन का इंट्रोडक्शन मिला होगा, तभी तो उसने एंटीबॉडी बनाई होगी। तो हम क्या करते हैं कि एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी की रिएक्शन करवा के देखते हैं कि अगर वो रिएक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं वो, तो हमें समझ आ जाता है कि यस इसके अंदर पर्टिकुलर जो हम बोल रहे हैं कि पैथोजन जो है उसने इफेक्ट किया है। अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती तो हम समझ जाते हैं कि यस इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म नहीं हुई, इट मीन्स इसके अंदर कभी भी पैथोजन जो है उसने वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट के थ्रू भी हम क्या करते हैं ये जान पाते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमारे लिए क्या है, बेनिफिट ही तो है। उसके बाद में आ जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब ये हुआ कि एनिमल्स के वही जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आए ह्यूमन, हम बोल रहे हैं कि बेनिफिट के लिए। अब इस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि जीएमओज वही डेवलप किए हैं, तो ये जो जीएमओ ट्रांसजेनिक जो है हमने डेवलप किए हैं, तो ट्रांसजेनिक रैट जो है, चूहे है या फिर रैबिट है, पिग है, काउ है, फिश है, ये सभी हमने डेवलप किए। मैक्सिमम जो डेवलप किए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल उनमें कौन आते हैं, माइस यानी कि चूहे आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों हम डेवलप करते हैं, रीजन क्या रहता है। रीजन ये रहता है कि हमें कई तरह के जो है ना बेनिफिट रहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करने के, जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए कि अगर हमें कोई नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर हमें कोई डेवलपमेंट जो है उसकी स्टडी करनी हो, तो इस एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल को डेवलप करवाते हैं और उसके अंदर हम उसकी फिजियोलॉजी को चेक करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई हमने मेडिसिन ही ली है ना, अब मेडिसिन का इफेक्ट अगर हमें देखना हो किसी भी उसके अंदर एनिमल के किसी के अंदर कि उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है मेडिसिन का, तो हमारे पास में बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम एनिमल के अंदर सबसे पहले स्टडी करें। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो डेवलप करवा के हम सबसे पहले वो इफेक्ट उन्हीं के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या इफेक्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम ह्यूमन जो है उसके ऊपर ट्राई करते हैं। और इसी के साथ में देखिए भाई, स्टडी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, डिजीजेस जो है उनको भी डायग्नोस करने के लिए, जो भी हमने पहले सबसे पहले अगर हम चाह रहे हैं कि हम जीन थेरेपी अगर दे या फिर हम किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल में ह्यूमन के अंदर चेंज लेके आए, तो बेटर क्या होगा कि हम उसको सबसे पहले एनिमल पे करके देखें। हम पहले वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो
किसी एनिमल का देखकर और उसके फिजियोलॉजी को चेक करके एंड देन फिर हम वो जीन थेरेपी जो है ट्राई करें ह्यूमन के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ना सिर्फ केवल जो जीन होते हैं उसके जो इफेक्ट हैं वो देखते हैं हम, उनकी उनके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस की भी स्टडी जो है वो कर सकते हैं कि एनिमल के अंदर किस तरीके से उसने अपना इफेक्ट जो है स्टेप बाय शो किया है। तो जो भी आपकी टेक्निक्स हैं सबसे पहले एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर ही यूज की जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि काऊ है, काऊ क्या करती है, हमें मिल्क देती है, बट ह्यूमन जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या है, ह्यूमन मिल्क जो है वो हमें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ह्यूमन मिल्क जो होता है उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी वो बोलते हैं प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो हम चाहते हैं कि काऊ मिल्क जो हमें मिले उसमें भी वो प्रोटीन प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक काऊ जो है उसको डेवलप कर लेंगे। ट्रांसजेनिक काऊ हमें जब मिलेगी तो हम क्या करते हैं उसको उससे हमें वही मिल्क जो है जो ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होती है वही हमें काऊ मिल्क से मिलने लग जाती है। तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उनको डेवलप कर लिया जाता है। दूसरा कुछ ऐसे जैसे कि ना इंसुलिन वगैरह ही है, मान लीजिए इंसुलिन है, उसी तरीके से मान लीजिए कि एम्फाइसीमा है, तो एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट जो एक प्रोटीन होती है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होती है उसकी वजह से होता है, बट ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ह्यूमन से इतनी क्वांटिटी के अंदर इस प्रोटीन को डेवलप करवाना थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर क्या होगा कि इसको बनाने वाली जीन को हम इंट्रोड्यूस कर दें किसी एनिमल में, जब उस एनिमल में हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमें वो प्रोटीन मिल जाएगी एंड देन वो प्रोटीन जो है वो हम बोलते हैं मेडिसिन पर्पज से यूज में आ सकती है और उसको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी कि ह्यूमन के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक वगैरह बनती है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनती है जो कि ह्यूमन के खुद के बेनिफिट के लिए होती है बट हमें उसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करवा के और उनसे उस प्रोटीन को उस एंटीबायोटिक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वही रोजी काउ जो है उसके अंदर तो हमने क्या किया, प्रोटीन जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करके हमने रोजी काउ बनाई है ह्यूमन बेनिफिट के लिए। और इसी के साथ में याद रखिए इसके अंदर होता क्या है, इसमें अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ह्यूमन के अंदर नेचुरली प्रेजेंट रहता है। एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट का आपको पता चली गया है और इसी के साथ में कई और ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनसे इनके भी ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए उनको भी हम एनिमल के अंदर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन का जो अगर इफेक्ट अगर हम देखें तो जितनी भी वैक्सीन जो बनती है उन वैक्सीन का सबसे पहले उसका जो हम बोलते हैं ना कि इफेक्ट जो होता है वो एनिमल्स पे देखा जाता है, सबसे पहले उसको वो वैक्सीन जो है वो ट्राई एनिमल्स पे की जाती है, देन उसके इफेक्ट्स को देखकर कि वो अगर सुटेबल है उसी कंडीशन में उसको ह्यूमन के ऊपर जो है ट्राई किया जाता है, ठीक है। और वही टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो होती है, कोई भी टॉक्सिन है, अगर कोई भी किसी भी तरह का टॉक्सिन सब्सटेंस है जो हमारे लिए हम सोच रहे हैं कि वो हार्मफुल है शायद हमारे अंदर, बट हम पहले कि वो टॉक्सिन को हम सबसे पहले क्या करेंगे एनिमल के ऊपर ट्राई करेंगे, अगर एनिमल में भी वो टॉक्सिन रहता है तो इट मीन्स यस ऑफ कोर्स वो हमारे लिए भी टॉक्सिक होगा। तो सबसे पहले जितने भी केमिकल्स होते हैं या फिर कोई भी वैक्सीन होती है या कोई मेडिसिन होती है उनको एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है एंड देन जो है वो ह्यूमन के ऊपर उसको ट्राई किया जाता है। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं एथिकल इश्यूज। देखिए एथिकल इश्यूज में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, देखिए होता क्या है कि जितनी भी हम ये बोल रहे हैं कि वैरायटीज डेवलप की जाती हैं, जो भी रेसिस्टेंट वैरायटीज अगर हम डेवलप करते हैं तो वो वैरायटीज कमर्शियली अगर वो हमारे ही अगर कंट्री के अंदर ग्रो की जाए तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि और कंट्रीज को उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कोई कानून हमारे पास में ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हर कंट्री फिर हमारे द्वारा किए गए जो भी हमने इन्वेंशन किया है या जो भी हमने न्यू वैरायटी डेवलप की है उसको ग्रो कर पाएंगे और उसका जो इकोनॉमिक अगर हमें जो इफेक्ट मिलना था वो इफेक्ट हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरी ऐसी होती है कि जो हम जीएमओस डेवलप कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंट के लिए हमेशा बेनिफिशियल ही हो। जैसे फॉर द एग्जांपल के लिए बीटी जो ब्रिंजल है वो एक्चुअल में क्या होती है कि वो टॉक्सिक रहती है किसके लिए, जो भी गाय वगैरह ये जो हम कैटल्स होते हैं जो कई बार उनके सूखे चारे को या बचे हुए जो बोलते हैं ना पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में जो बचा हुआ कचरा होता है उसको वो उसकी ग्रेजिंग करते हैं, तो वो क्या होता है उसके उनके लिए भी वो टॉक्सिन रहता है बीटी ब्रिंजल जो होता है। तो इसीलिए बीटी ब्रिंजल जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अगर ये कोई कानून नहीं होगा कि कौन से जीएमओज जो है उनको एनवायरमेंट के अंदर
ग्रो किया जाएगा, या कौन से GMOs जो हैं उनके उनको जो है वो हम बोल रहे हैं कि हमारे नेचुरल हैबिटेट के अंदर उनको रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है इनके ऊपर एक कानून का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ में जो ये कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं कि पेटेंट ले लेती हैं पर्टिकुलर किसी क्रॉप को लेके, ताकि फिर जब किसी और कंट्री को उसकी क्रॉप को क्या करना पड़ता है कि ग्रो करना होता है खुद के बेनिफिट के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर वो उसके पास में वो राइट नहीं होता कि वो उसको ग्रो कर सके। ठीक है, तो कई ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि बिना किसी पेपर के और इस तरीके से उसका पेटेंट ले लेते हैं, जबकि वो पर्टिकुलर क्रॉप उनकी होती ही नहीं है, वो क्रॉप किसी और ने जो है उसको ग्रो किया होता है। तो इसको हम बायो पायरेसी बोलते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक कानून या सिस्टम जो है वो होना चाहिए। तो भाई उसी पे हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में कॉज अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन द सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जब आते हैं, जैसे कि बीटी ब्रिंजल आता है, तो उसका बहुत ही अलग इफेक्ट है। नॉर्मली अगर कोई कानून नहीं होगा तो उसको कोई भी ग्रो करेगा, तो बीटी ब्रिंजल के खुद के ब्रिंजल के इफेक्ट की वजह से जो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो तो बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक वैल्यू भी उसकी इंक्रीज हो रही है, बट उसकी वजह से जो कैटल्स को इफेक्ट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसको भी रोकना जरूरी है। अगर ऐसा कोई कानून नहीं होगा तो सब ग्रो करेंगे, और कैटल्स को अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर उसको रोकने के लिए कोई भी हमारे पास में सिस्टम ही नहीं होगा। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास में बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GEAC। अब देखिए ये आपको याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो डिसाइड करती है क्या कि GM जो है या जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमने रिसर्चेस किए हैं उनकी सेफ्टी, कि वो सेफ है कि नहीं है, और क्या उनको इकोसिस्टम के अंदर अब जो है उसको हम बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इसी के साथ में पेटेंट लेने में भी है, जैसे कि बासमती, अगर आप लोग देखेंगे अब हमारे पुराण पढ़ेंगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बासमती एक्चुअल में वैरायटी तो कहाँ की है, इंडिया की है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बासमती का पेटेंट ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये पेटेंट वाली प्रॉब्लम जो है ना ये बहुत बड़ी है। तो इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो वैरायटी है उसी का पेटेंट हमारे पास में नहीं है, और उसमें थोड़ा सा चेंज लाकर उन्होंने क्या किया, उसका पेटेंट ले लिया, जबकि बासमती तो क्या है, इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली ग्रो होने वाला राइस है। ठीक है, तो अमेरिकन ये जो है इस चीज को रोकने के लिए भी क्या है, पेटेंट, एक पेटेंट जो है वो लेना होता है, आपका कोई भी रिसर्च है उसके लिए पेटेंट लेना पड़ता है। जो भी पेटेंट ले लेता है तो फिर उसके बाद में किसी और कंट्री या किसी और इंडिविजुअल के थ्रू उस क्रॉप का ग्रो करना जो है वो क्या हो जाता है, नॉन एथिकल, वो एक हमें बोल रहे कि हमारी लॉस के बाहर की चीज जो है वो हो जाती है। तो इसलिए पेटेंट जो है उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। तो पेटेंट में भी पेपर वगैरह लगाकर, फर्जी पेपर लगाकर भी क्या होते हैं, कई लोग पेटेंट ले लेते हैं। ठीक है, बट इसके लिए अब हमारे पास में तो कानून है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो उसको क्या किया जा सकता है, उस कानून के थ्रू, कानून की मदद जो है वो ली जा सकती है। बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी वही है कि इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन from the countries and people concerned. The Indian Parliament has recently introduced second amendment of Indian Patent Bill to deal with these issue. Biopiracy है क्या, Biopiracy वही है, ये जो crops हैं इन crops को लेकर कि बिना permission के वो अपने जगह अपनी अपने state के अंदर या फिर अपनी country के अंदर उनको grow करते हैं, इसी को हम Biopiracy बोलते हैं। तो Biopiracy को भी control करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए भी एक अच्छा law का होना बहुत ज़रूरी है ताकि Biopiracy को रोका जा सके। ठीक है, तो GM ये पूरे चैप्टर के अंदर वैसे हमने GMOs के बारे में पढ़ा है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, तो इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमन बेनिफिट के लिए काम में आ सकती है और आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है वो है आपके लिए कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस। ये जितने भी फॉलो अप क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ये ओनली नीट बेस्ड है। ठीक है, तो आपने अगर पूरा चैप्टर अगर किया होगा तो ये पूरा जितने भी आपके फॉलो अप क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, दो तीन चीजें ही थी इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमें ध्यान रखनी थी, एक वही। अब देखिए बायो पेटेंट क्या होता है, आप जानते हैं बायो पेटेंट क्या है, है ना, जितनी भी आपकी ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, तो आपको कॉलम मैच करने हैं।
ठीक है। तो ये हमने हर चीज जो है वो हमने पढ़ी है सिंपल। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट भी अगर आप मार्क करते हैं इस चैप्टर को तो आप आसानी से पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में थी और हमने इसको आज डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हमारा बायोटेक का टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।